प्रकार से कोलकाता में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, फुटपाती हैं, उनको जो जिन जिन लोगों को जिस प्रकार से प्रॉब्लम में बढ़ी है, उस प्रकार समाज सेवी संस्थाएं जो है वो खुलकर सामने आई हैं और वो लोग यहाँ पर एक व्यवस्था की खाने क्या क्या चीज़ का आप लोगों ने व्यवस्था बनाया है और कितने लोगों को खाना खिलाया। आज हम लोगों ने पूरे बड़ा बाजार अंचल के अंदर लगभग 700 लोगों को खिचड़ी का पैकेट बना के डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 50 किलो अमूल ताजा का दूध लिया है। जो रास्ते में कुत्ते हैं उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, दूध और बिस्कुट मैरीगोल्ड जो बिस्कुट है इसमें चीनी नहीं है, इससे उनको खुजली की तकलीफ नहीं होगी, वो भी हम लोगों ने 2 कैरेट बांटा है। कारण कि अभी कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण बाहर के लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं हो, मनुष्य के वो भी दिक्कत नहीं हो, हमारे जो पशु है उनको दिक्कत नहीं हो, हम उन्हें भी दे रहे हैं। जो रास्ते में जो भिखारी टाइप के व्यक्ति, उनके गोद में बच्चे हैं और दूध पीने परेशानी हो रही है, हम उन्हें भी दूध पिला रहे हैं। आप लोग कोई संस्था की तरफ से ऑर्गेनाइज किए? हाँ, हम सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं, कलकत्ता पुलिस के सहयोग से श्री श्याम प्रेम मंडल बड़ा बाजार वो हमें फाइनेंस कर रही है, वो अपनी तरफ से खाने का सामान दे रही है और भैरव नवयक संघ उनकी युवा टीम हमारे साथ सहयोग कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार शर्मा है, मैं इसी अंचल का हूँ। हम दे रहे पांचवा दिन है और जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आज भी फंसे हुए हैं, देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में जो गरीब लोग हैं वो लोगों को खाने की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको पूरा करने के लिए जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो सामने आई हैं। क्या कहें, कितने लोगों को आज आप लोगों ने खाना खिलाया? हमने 100 आदमी के हिसाब से लेके आए थे, कुछ आदमी बाकी रह गए। अच्छा। कुछ आदमी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है वहाँ हम लोग गली गली में जाके खोज रहे हैं, देख रहे हैं जो भूखे हैं उनको खाने पहुँचाने की व्यवस्था कर। आपका नाम? मेरा नाम रीना खंडेलवाल। कोई संस्था से आप लोग आए हैं? नहीं, ये हम लोग अपने मने अपने बिल्डिंग से, जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि कई लोग को खाना नहीं मिल पा रहा है गली में, जो कहीं अंदर अंदर बैठे हुए हैं उनको हम करीबन 150 से 200 लोगों को चावल और आलू आटा बांटा जा रहा है। जिस प्रकार से राज्य सरकार भी अब मैदान में कमर कस ली है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके खाने की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास खाने का संसाधन की कमी है, उन लोगों को इस तरीके से सभी लोगों को बुला करके गांव से मोहल्ला से निकाल निकाल के लोगों को दिया जा रहा है, ताकि उन लोग को खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके।